रीवा एसपी विवेक सिंह के निर्देशन में समान थाना के प्रभारी जेपी पटेल ने 70 लाख रुपए पार करने वाले ज्वेलरी व्यवसाय के नौकरों को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्वेलरी व्यापारी के 3 नौकरों ने मिलकर वैगनार कार के साथ 70 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए थे। इस घटना की शिकायत पीड़ित दिलीप सोनी उम्र 37 साल रीवा के द्वारा समान थाना पहुंचकर दर्ज कराई गई थी। 70 लाख रुपए के साथ वैगनार कार लेकर 3 नौकर फरार हो गए हैं। घटना 27 अगस्त 2023 की बताई गई है। घटना काफी बड़ी और संवेदनशील थी। इस घटना के बाद थाना प्रभारी जेपी पटेल ने गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी रीवा एसपी को दी। इसके बाद क्राइम साइबर सेल के माध्यम से 70 लाख रुपए लेकर चंपत होने वाले 3 आरोपियों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से 62,200 रुपए जब्त कर लिया गया है। अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। ये लगभग 8-10 दिन पहले जो है दिलीप सोनी जो सराफा का व्यवसाय करते हैं उनके द्वारा एक FIR करवाई गई थी कि उनके 3 जो नौकर हैं वो जो है उनको 70 लाख रुपए दिया था किसी का वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सामान मंगाने के लिए। किसी कारणवश वो वहाँ डिलीवर नहीं कर पाए तो उनको वापस बुला लिया था और जिसे लेकर वो आ रहे थे और उसके पीछे पीछे ये भी आ रहे थे, दिलीप सोनी भी आ रहे थे प्रार्थी। तो यहाँ पे सामान जो ब्रिज है वहाँ पर जब पहुँचे तो ये तीनों लोग इनकी वैगनार कार सहित तीनों लोग और रकम के सहित सिरमौर चौराहा तरफ गाड़ी सीधे निकल गए और आगे जा कर के उनने फ़ोन बंद कर लिया। इसके बाद ये लोग ढूंढते रहे, इनका पता नहीं चला। उसके बाद इन्हें दिलीप सोनी ने थाने में सूचना दी, FIR दर्ज करवाई जिस पे धारा 406 और 408 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसी की तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनकर जी एवं CSP महोदया शिवाली चतुर्वेदी मैडम के नेतृत्व में जो है लगातार विवेचना की जा रही थी। और अभी हमने कल जो है सूचना के आधार पे 2 मुख्य आरोपियों को अरविंद सोनी और मुकेश सोनी इनको हमने गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी है जिनसे तीनों मिलाकर के लगभग 62 लाख रुपए की जब्ती की गई है। एक आरोपी अभी मामले में फरार है। सत्तर लाख रुपए की रकम FIR में दर्ज कराई गई थी जिसमें से 62 लाख रुपए के लगभग जो है जब्त हो गई है। और नहीं, हथियार वगैरह का मामला तो प्रकाश में नहीं आया है। बस यही है कि आरोपी कितने थे और ये 3 नामजद आरोपी थे। पीड़ित के हक आए व्यापार करते थे। पीड़ित जो है सराफा का व्यवसायी है, कोतवाली क्षेत्र में सराफा की दुकान है इनकी।